जब आपको कोई भी सब्जी समझ में ना आए कि आज क्या बनाएं, तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। ये है आलू और सोयाबीन की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सोयाबीन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, तो हेल्थ के लिए भी हाय बहुत फ्रेंड्स, मैं अच्छी गीता है। वर्मा गीताकिनो.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन दिया होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पहले डाला था, हाफ कप बाद में डाली, तो ये 100 ग्राम के करीब है। इसे हम अच्छे से भिगो देंगे और थोड़ा सा पानी को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, गैस बंद कर देंगे और इन सोयाबीन की बड़ियों को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें से पानी में से निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे प्लेट में। तो इस तरह से सारी बढ़िया मैं निकाल लूंगी और बढ़िया ठंडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका पानी जितना भी इसने अब्जॉर्ब किया है उसे निचोड़ कर निकाल लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह से पानी को निचोड़ कर निकाल लें। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टमाटर, इस तरह से 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 5-6 लहसुन की कलियां और 2 प्याज ली है मीडियम साइज की। इन्हें हम क्या करेंगे, पीस लेंगे मिक्सी में, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को पीस लिया है और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए। तो तेल में से अच्छा सा धुआं निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सोयाबीन की बड़ियों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और अगर आप इन्हें बिना फ्राई करे बनाएंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये सारी सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और इसे 2 मिनट के लिए हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गैस मेरी हाई पे है और इस तरह से इसे चलाते रहें। तो 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए सोयाबीन की बढ़िया काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी बढ़िया निकाल लेंगे और गैस को भी फिलहाल लो पे कर देते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप तेल बहुत कम है, तो 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर तेल और डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सरसों का ही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड का कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है मसाले को, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे भूनते जाएंगे और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी में और ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, तो इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही इसमें मैं गरम मसाला डालने की बजाय यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्जी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो 2 चम्मच में यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास सब्जी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर सब्जी मसाला से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम ये 2 आलू जैसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है ये ऐड कर देंगे और आलू को हमें थोड़ा सा भूनना है मसाले के साथ।
तो मसाला हमारा काफ़ी सूख चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला नीचे लगे नहीं, जले नहीं। तो 2 मिनट के लिए हम आलू को भून लेंगे। ये देखिए आलू को मैंने भून लिया है मसाले के साथ। अब इसमें हम सोयाबीन की बड़ियां ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो सोयाबीन की बड़ियों को भी मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि जो सोयाबीन की बड़ियां हैं वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। तो आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड करें। अब हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे। तो अब हम कुकर खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और इसमें हम ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है, और ये जितनी बनाने में आसान है खाने में उतनी ज़्यादा ये टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको लगे कि आज समझ में नहीं आ रहा क्या सब्जी बनाए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को तो आती ही है। और बनाना आपने देखा कितना आसान था, बहुत ईजी रेसिपी है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सिंपल सी इजी आलू सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैंने इसे कुकर में बनाया तो कढ़ाई में भी ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने इसे सर्व कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी बनी, आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर।